हाँ, हम जानने के लिए पहुँचे ज़िला हापुड़ के एक रफ़ीक नगर में। अब हम जानते हैं कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, किसे वोट दे रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट देना चाह रहे हैं। भाईजान, आपके यहाँ किसकी सरकार आ रही है और किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं? जी, हमारे यहाँ तो पूरे शुरू से ही लोग बीजेपी को वोट देते हैं, और इसका कारण ये है कि 11 बजे तक भी हमारी बहन बेटी इस टाइम सुरक्षित हैं और सुरक्षित घूम सकती हैं। पहले गुंडागर्दी होती थी, 6 बजे के बाद हम अपनी बहन को नहीं दे पाते थे। इस टाइम हमारी बहन भी 11 बजे बाहर से आती है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन भाईजान, एक बात है, हमने आंकड़े देखे न्यूज़ में, आपने भी देखे होंगे कि अब पिछली सरकार में और इस सरकार में तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा जो है गुंडागर्दी फैली है और आंकड़े ज़्यादा आए हैं जी। ये तो सब बदनाम करने वाली बात है, वरना योगी सरकार में बदमाशी का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन रोज़गार क्या क्या कहेंगे आप? रोज़गार कितना मिला है, किसको मिला? रोज़गार देखो अपने दम पे है सब। रोज़गार जैसा हमारा चल रहा था उससे भी तरक्की वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोज़गार मिला है जी। रोज़गार हर बच्चे के मोबाइल, हर घर में एक मोबाइल होता था। अच्छा, आज हर बच्चे पर बड़ा मोबाइल है तो रोज़गार। ये चीज़ महंगाई तो खुद ही तुम देख लो, हर किसी घर में बाइक है, पहले साइकिल भी ना होती थी। हमारे एरिया में तो शुरुआत से ही बीजेपी की सरकार रही है और रहेगी, क्योंकि जिस संकट से अभी पूरा इंडिया गुजरा है, उस संकट में भी आप लगा लो कि हर महीने फ्री राशन बांटा है सरकार ने। एक एक घर में कुंटलों के हिसाब से राशन जा रहा है। अगर इंसान उसी राशन को खरीद के लावे तो कितने का बैठेगा? आप मुझे जवाब दे दो। आपकी बिल्कुल सही बात है कि लोगों को जो है राशन मिला है, लेकिन लोग ये कहते हैं, सुनो, विपक्ष का ये हमला है बीजेपी पर कि इस सरकार ने फांसा है। और जैसे वैक्सीन के मामले आए हैं तो बहुत कम रिकवर हुए हैं, बार बार लॉकडाउन लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष क्यों मुखालफत करती है सरकार की? विपक्ष गलत नहीं है। विपक्ष के लिए गलत बोला नहीं जा सकता, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि किसी सरकार की गलती को बताना, पर वो किसी को ये नहीं बोल सकती कि तुमने ये काम क्यों करा। वो डाउट क्लियर कर सकती है अपने सिर पर से, टोक नहीं सकती। भाई पन्ना जीत गया तो वो गलती बताता है कि आपकी गलती है। आपकी गलती नहीं बताएगा वो। आप अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसमें सही और गलत दो चीज़ें देखी जाती हैं। तो सिर्फ विपक्ष हमेशा गलती को ही देखता है, कभी सही को नहीं देखता। अब आप ये बताओ कि जैसे लॉकडाउन लगा तो बहुत से बेरोजगार हुए, बहुत घर कईयों को, मतलब कईयों पे कर्जा हो गया। उस बीच कईयों को, मतलब इन लॉकडाउन में इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, पर बहुत से ऐसे थे, पर इस सरकार ने उस समय पे भी कई घरों में मुफ्त राशन बांटा, हर महीने बांटा ना बांटा। उस एक बार बताओ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खाते भी उसके हैं और बुराई भी उसकी करते हैं। अच्छा, मतलब खाना भी उसका, जिसके खाने में, जिसकी थाली में खाओ उसी की मैं छेद करूं। लेकिन एक बात बताओ, सरकार जो दे रही है वो सिर्फ अपनी तरफ से दे रही है, जनता का पैसा दे रही है, जनता का टैक्स वगैरह जो जाता है? भैया टैक्स तो जाता है, सुनो, आप एक बात बताओ, जो सरकार अब चल रही है या जो सरकार आएगी, क्या वो हमसे कभी टैक्स नहीं लेगी? इसका मतलब ये है कि जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उसे, तो वो सिर्फ खा रहे हैं उसका, बाकी उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं वो। नहीं भैया, ये किसने बोला? गलत नहीं कह सकते ना हम, पूरी तरह से गलत ये तो नहीं कह सकते ना। तो इसका आदमी का अपना अधिकार है, वो किसे वोट दे, सोच है अपनी, वो अपनी अलग अलग सोच है सबकी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो है गठबंधन हुआ है, वो लोग अपना दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। उधर जो है बसपा पार्टी अपना गठबंधन वो कर रही है दावा कि हम जीतेंगे, और यहाँ से अभी तक सपा की सरकार। अच्छा सुनो भैया, एक सवाल हमारा ये है, कहापुड़ में आप लोग बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ बीजेपी का एक भी सब विधायक नहीं जीता, ऐसा क्यों? बीजेपी का जीता है और सपा का नहीं जीता। यहाँ पे जोर रहा है कांग्रेस का और बसपा का, अब के किसका जोर है यहाँ पे? भाजपा का जोर है भैया, भाजपा का जोर, भाजपा का जोर, बीजेपी। सबसे बड़ी बात, योगी जी को हम वोट देने का कारण ये है कि ये जिस मुद्दे पे सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम होती थी, इनकी सरकार में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का अभी तक सुनने में नहीं आई है।